हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी टिकी और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। एक्चुअली 3-4 दिन हो गए मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया था। होता है ना ऐसा, कुछ घर में ज़रूरी काम होता है तो हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली मेरे बेटे का जो बर्थडे था तो उसी का सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा तैयारी चल रहा था। तो चलिए फटाफट थीम के ऊपर आते हैं। ये सिर्फ ब्लॉग नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए। तो देखिए, एक छोटे बजट में, कम बजट में एक अच्छा पार्टी, एक सेटिस्फेक्शन वाला पार्टी आप कैसे अरेंज कर सको, यही मेरा मोटिव है। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा टिप्स देना चाहूँगी। तो ये सब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मतलब सर्व किया है खाने को, जैसे कि बफे सिस्टम है कुछ इस तरह से। इन सब कैन में मैंने ग्रोसरी भर के रखा था। फिलहाल इस पार्टी के लिए मैंने सबको खाली कर दिया है, बोरी में भर के रख दिया है। हाँ, कम बजट में आपको इतना अच्छा पार्टी चाहिए तो इतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमने खाना भी खुद से बनाया था, मम्मी और मैंने। मम्मी का इतना एज नहीं है कि वो सारा खाना बना पाती। हाँ, होता है ना, मम्मी लोगों के बातों में कुछ अजीब सा हिम्मत मिलता है तो जोश आ जाता है। तो उसके लिए पता नहीं कैसे बना लिया हमने। 30 लोगों के लिए अरेंज किया था लेकिन लगभग खाना बना था 50 लोगों के लिए। तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। मेरे घर में मेड भी नहीं है तो लेकिन जो भी हुआ अच्छे से हो गया सब कुछ। देखिए इतना छोटा छोटा मतलब टिप्स है, आप चाहो तो कुछ भी अच्छे से मैनेज करके अच्छे से आप अरेंज कर सकते हो। इतना जितना हमें, ये बहुत अच्छा पार्टी है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन खुद के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमें जो खुद से खुशी दे तो उतना तो हो गया मेरा। ये डस्टबिन के लिए देखिए मैंने क्या अरेंज किया है, ये एक मतलब कार्टून, उसमें पॉलीथीन डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने पेपर डाल दिया है। और ये जो पेपर है, थोड़ा बहुत अगर पानी होगा तो ऑब्जर्व कर लेगा, और उसके नीचे जो पॉलीथीन मैंने डाला हुआ है वो बाहर निकलने नहीं देगा पानी वगैरह। जब हम उठा के लेके जाएंगे तो उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए मम्मी यहाँ पे पकौड़ी तल रही है, तो काफ़ी मदद मिल गई मम्मी के बातों से, मम्मी के हेल्प से। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, आप लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए और मेरे बेटे को थोड़ा ब्लेसिंग दे दीजिए, बहुत खुशी होगी मुझे। टेक केयर, लव यू, बाय।